तो है ना, मोदी मोदी जी का सबसे बड़ा रोड़ा लालकृष्ण आडवाणी जी के घर पे जाके उनको बुजुर्ग आदमी को थप्पड़ मार के आई। लालकृष्ण आडवाणी जी के घर पे जाके उनको बुजुर्ग आदमी को थप्पड़ मार के आई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर और आज हम जानना चाहेंगे सच। सच एक आदमी से जिस आदमी पर आरोप लगाए गए हैं कि वो लोगों को घूस देता है ताकि वो बीजेपी के अगेंस्ट ना बोले। विकास पांडे ने 50 लाख रुपए ऑफर किए महावीर प्रसाद को थ्रू अभिषेक मिश्रा। अभिषेक मिश्रा को मिडिलमैन की तरह यूज किया गया। 50 लाख रुपए ऑफर किए गए ये कहने के लिए कि जो भी उसने कुछ इंटरव्यू में कहा था, मेरे साथ जो इंटरव्यू हुआ था, जो भी उसने कुछ कहा था वो झूठ कहा था और मैंने पैसे दिए थे महावीर को ये सब कहने के लिए। एक आदमी पर इल्जाम लगाए गए हैं कि वो फेक न्यूज फैलाता है, वो हिंदू मुसलमान करा देता है, वो दंगे भड़काने की कोशिश करता है और ऐसा वो बीजेपी में रहकर करता है। बीजेपी आईटी सेल की कहीं ना कहीं एक फेक न्यूज की फैक्ट्री है जो ऐसे झूठ फैलाती है लोगों के बीच में, जिसकी वजह से हिंदू मुसलमान और क्रिश्चियन के बीच में नफरत फैल सके, हेट फैल सके, अलग अलग जातियों के बीच में नफरत फैल सके। इनको लड़वाने का काम करता है बीजेपी आईटी सेल अपनी खुद की पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। उस आदमी को बताया जाता है कि वो बीजेपी के आईटी सेल का सबसे बड़ा आदमी है या फिर कहें सबसे बड़े आदमियों में से एक है। उसको सेकंड इन कमांड ऑफ द बीजेपी आईटी सेल बोला जाता है। उसका नाम है विकास पांडे। तो ये विकास पांडे है, ये क्या सही में इतना खराब व्यक्ति है जो इन सभी चीजों को करता है, या फिर ये निर्णय हमने केवल एक वीडियो देखकर, दो वीडियोस देखकर कर लिया? क्या हमने अभी तक विकास पांडे का पक्ष जानने की कोशिश की? क्या हमने ये जानना चाहा कि विकास पांडे का पक्ष क्या है? एक पक्ष को सुनकर हम सब ने एक धारणा बना ली कि विकास पांडे डीमन है। विकास पांडे को डीमनाइज कर दिया गया, उनके घर परिवार वालों को दुनिया भर की गालियां सुनाई गई, उनको इस तरीके की चीजें देखने को मिली। अब हम विकास पांडे से उनकी सच्चाई जानना चाहेंगे, फिर हमारे पास दोनों पक्ष होंगे, दोनों पक्ष को आराम से देखकर एनालाइज हम कर सकते हैं कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। साथ ही साथ हम आपको ये बता देते हैं कि विकास पांडे ने ध्रुव राठी के ऊपर एक लीगल केस कर दिया है। ध्रुव राठी के ऊपर इसलिए लीगल केस किया गया है क्योंकि विकास पांडे का कहना है कि ध्रुव राठी के पास कोई सबूत नहीं है कि मैंने किसी को घूस देने की कोशिश की, मैंने किसी को 50 लाख रुपए ऑफर किए और फिर भी उन्होंने मेरे नाम को इस तरीके से तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, मेरी सारी क्रेडिबिलिटी को ख़त्म कर दिया, मेरे वर्क प्लेस में मेरी थूथू होने लगी, मेरे घर परिवार में, कलीग्स के बीच में, मेरी लोकेलिटी में मेरे नाम पर थूथू होने लगी और उन्होंने मुझे पूरी तरीके से डीमोनाइज कर दिया। इस वजह से विकास पांडे ने ध्रुव राठी के ऊपर एक केस किया है। तो आइए जानते हैं विकास पांडे से उस केस का क्या आधार है। विकास पांडे से जानते हैं कि जो सभी आरोप लगाए गए हैं उनका क्या आधार है और उनकी क्या सच्चाई है, और जानते हैं कि आगे वो इस केस को किस तरीके से डील करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो विकास पांडे जी, हमने जो वीडियो में देखा, ध्रुव राठी जी की वीडियो में हमने देखा कि विकास पांडे जो है वो बीजेपी आईटी सेल का सबसे बड़ा नाम है अमित मालवीय के बाद, तो क्या ये सही है? देखिए, उन्होंने नाम नहीं बोला, नाम तो होगा नहीं होगा वो सब लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने बोला पोजीशन धारी है, इन्होंने बोला ऑफिशियली आई एम नंबर टू, और उसके बाद वही कॉन्टेक्स्ट डेवलप करते हुए कहा कि ये क्योंकि नंबर टू इन कमांड है बीजेपी आईटी सेल में और इन्होंने क्योंकि घूस देने की कोशिश की है, तो एक्चुअली बीजेपी ने 50 लाख रुपए देने की कोशिश की है, ये इन्होंने प्रूव करने की कोशिश की। अच्छा, और उसमें एक बंदा था उस वीडियो में जिसका नाम था महावीर, क्या महावीर बीजेपी आईटी सेल का मेंबर था? ये इंसान है महावीर जो इंटरव्यू देने के लिए मुझसे राजी हो, अब ये आईटी सेल को छोड़ चुके हैं, एक प्रूफ के तौर पे कि ये सही में बीजेपी आईटी सेल के मेंबर थे। महावीर ने कुछ फोटो शेयर करी थी मेरे साथ जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये सुब्रमण्यम स्वामी के साथ, जनरल वी के सिंह के साथ और ये मोदी सरकार के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर के साथ।
तो बड़े बड़े लीडर्स हैं बीजेपी के, जिससे कि प्रूफ होता है कहीं ना कहीं बीजेपी से रिलेटेड थे, और जैसा कि ये कहते हैं ये बीजेपी आईटी सेल के मेंबर भी रह चुके हैं। क्या आपने उसको बीजेपी आईटी सेल में कभी देखा है? देखिए महावीर का एक्चुअली एक तरीके से गुमनाम बंदा रहा है अभी तक, और मेरे को क्योंकि इसने लेटेस्ट में काफी कंट्रोवर्सी में शुरुआत से ही रहा है, तो इस नाते मुझे इसका नाम याद रहा। ये पेजेस में इन्वॉल्व रहता था, एक दो पेजेस बनाए थे, फिर मैं मुझे सुनने में आता था कंट्रोवर्शियल बंदा है। मेरे को भी इसने पिंग किया था बहुत बार पैसे के लिए, जॉब के लिए भी जॉब दिला दो। मैंने प्रदीप वगैरह करके एक लड़के उनसे कनेक्ट भी कराया था, लेकिन ओवरऑल बहुत ही मतलब कि परेशान करने वाला व्यक्ति है फालतू में, तो मैंने इनको ब्लॉक भी कर दिया था बहुत पहले, तो उस हिसाब से जानता हूँ। ही इज अ नॉन एंटिटी एज सच, बट बीजेपी आईटी सेल में आई कैन राइट यू 2013-14 में कि कोई भी ऑफिशियल तरीके से एक घंटा एक 15 मिनट का भी इन्होंने काम नहीं किया होगा। एक मीटिंग में जहां तक ये बोले थे, और मैंने 2-3 लोगों से पूछा कि आए थे 100-200 लोगों के साथ ऑफिस में, बट उसके ज्यादा इनका कुछ नहीं है। और ध्रुव राठी ने भी एज अ प्रूफ क्या दिखाया, वो किसी को बुक दे रहे हैं, किसी नेता को एक या दो लोगों को बुक दे रहे हैं, उसको एज अ प्रूफ दिखा दे कि वो आईटी सेल में जॉब करते थे, विच इज ludicrous। वो कोई भी जाके आप जाओगे वहां मिलोगे शेक हैंड, तो बीजेपी के लीडर्स ऑब्वियसली आपको ऑब्लाइज करेंगे, फोटो खिंचाने को मना नहीं करेंगे। तो उसी तरह की फोटो, 2-3 फोटोज थी उनकी, वो दिखा के उन्होंने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूवन देयरफॉर ही इज आईटी सेल एम्प्लॉई, ऐसा करके उन्होंने, अदरवाइज एज फार एज आई नो ही वाज नॉट। ओके, और महावीर की जो हमने कुछ एक वीडियोस देखे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि पहले एक वीडियो में वो कह रहे हैं कि कार्ड जो है कार्ड नहीं चाहिए होता है बीजेपी आईटी सेल में, दूसरे वीडियो में कह रहे हैं कि मेरे पास कार्ड भी है और बिना कार्ड के तो वहां पे एंट्री नहीं होती है। ठीक है, चलता आजकल तो बाबाओं का भी चल रहा है ना, रविशंकर जी भी बना रहे हैं आईटी सेल, बाबा रामदेव जी की आईटी सेल भी है, उसमें भी हम रहे थोड़े दिन। चलो उसका तो मेरे पास रामदेव जी, बाबा रामदेव जी वाली आईटी सेल का तो मेरे पास कार्ड पड़ा है। बीजेपी वाली में कार्ड की कोई पॉलिसी नहीं, बीजेपी वाली आईडी में कोई कार्ड की पॉलिसी नहीं, पेमेंट भी दूसरे आदमी से होता है, पार्टी के अकाउंट से किसी को पेमेंट नहीं होता है। जैसे मैं आपके साथ काम कर रहा हूं तो कोई पेमेंट कोई और देगा, जैसे नीचे आप आयात भाई के, आयात भाई का मैंने अब आप लोगों को खुद और इनको जिनको भी शक है ना, इनमें से जितने लोगों को लाइव देख रहे हैं आपके 2000 और आपके शेयर हो गए शायद ज्यादा भी हो गए, और लाखों लोग देंगे इस वीडियो को, किसी लोगों को शक लग रहा है कि मैं बीजेपी आईटी सेल में काम नहीं करता था तो मेरे पास कार्ड पड़े कभी भी नहीं, कोई शक की बात, कोई शक नहीं करता, कोई एंट्री कार्ड पड़े है मेरे पास 800 करोड़ में, ऐसे किसी को बढ़ने भी नहीं देते, आप घुस के देख लेना घुसने देंगे क्या, एंट्री कार्ड होता है। तो ये सब चीजें क्या प्रूव करती हैं? एक्चुअली जब ये कंट्रोवर्सी हुई तो काफी लोगों ने मुझे पिंग किया कि ये देखो भैया इसके प्रीवियस इंटरव्यूज, उसमें उन्होंने ये तक बोला है कि उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी को झापड़ मारा, उन्होंने नितिन गडकरी जी को ठिकाने लगाया, मतलब कि मोदी जी के रास्ते से हटाया, शिवराज सिंह को रास्ते से हटाया। तो मतलब ये ऐसी चीजें जो बंदा सपने में बोल सकता है और उसको सीरियसली लिया जा रहा है, सामने वाले बंदे उसके जो इंटरव्यूज ले रहे हैं जो नॉर्मली बीजेपी के अगेंस्ट रहते हैं उसको वाओ इतना बड़ा काम कर दिया आपने ऐसे करके ले रहे, तो हंसने वाली बात है। वो कैसे बंदे हैं, उनको सीरियसली लेने वाले कैसे बंदे हैं, या तो वो खुद सीरियसली ले रहे हैं, इतना कम उनका IQ कि उसको सामने वाले को सीरियसली ले रहे हैं, और ये भी कि या तो उसको अपने ऑडियंस को बेवकूफ समझ रहे हैं कि उसको सीरियसली दिखा के उसको बताया जा रहा है कि भाई ही वाज अ सीरियस वर्कर इन बीजेपी व्हिच इज वेरी वेरी लाफेबल। मतलब मैं उनके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि वो भी इस नोटिस में है, इस पर्टिकुलर केस में तो सब जुडिस है एक तरीके से, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा उनके लिए। आप उनके वीडियोस देख लेना, मैंने आप खोजो के मिल जाएगा इंटरनेट पे, या तो आपको भी टैग किया होगा लोगों ने, मेरे को तो काफी लोगों ने टैग किया है कि ऐसी ऐसी मतलब बचकानी वाली बातें बोल रहे हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है। तो आप खुद अपने, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियोस अपने ऑडियंस को भी दिखाएं कि उससे जज हो जाएगा बंदा कितना सीरियसली लेने लायक है। हमने तो है ना मोदी जी का सबसे बड़ा रोड़ा लालकृष्ण आडवाणी जी के घर पे जाके उनको बुजुर्ग आदमी को थप्पड़ मार के, इतना नीच काम बीजेपी के लिए हमने किया था। मेरे साथ हमारे साथ एक जैन साहब थे, टीनू जैन साहब, उनकी टीम थी नरेंद्र मोदी आर्मी, हमने आडवाणी जी के घर पे जाके आडवाणी जी को हाथ डाल लिया था मोदी जी के लिए। उस टाइम पे मोदी जी की ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई थी पार्टी से कि प्रधानमंत्री के दावेदार ये होंगे, हमने गडकरी जी को ठिकाने लगाया था उस टाइम पे बीजेपी के कहने से। हमने शिवराज चौहान को टारगेट किया था, ये भी मोदी जी से पहले चेहरा शिवराज का था, उनको भी हमने काम लगाया। मोदी जी है ना ऐसे नहीं आए, बहुत मेहनत की जी। तो हमने वो वीडियो देखा जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने लालकृष्ण आडवाणी को थप्पड़ मारा,
और नितिन गडकरी को हटा के मोदी को पीएम बनाने में उनका सबसे बड़ा योगदान है, और ऐसे व्यक्ति को एक 1.5 मिलियन व्यूज करके और बहुत बड़ा नाम कमा रहे हैं ध्रुव राठी, तो ये हमारे हमारे लिए भी बहुत हास्यास्पद था। अभी जो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप जो सूट इनके अगेंस्ट कर रहे हैं, ध्रुव राठी के अगेंस्ट कर रहे हैं, वो कितने का सूट है और कितना कितना अमाउंट है, और वो अमाउंट के पीछे आपने क्या वजह रखी है? देखिए, मैं एक लॉजिकल एक अमाउंट सोच रहा था कि मैं 10 लाख रखूं, 15-20 लाख रखूं, 30 लाख रखूं, क्योंकि उसमें फीस भी जमा करनी होती है। तो उस हिसाब से मैंने 15 लाख रखा है। उसका रीजन ये है कि अपार्ट फ्रॉम लॉट ऑफ अदर रीजंस, कि ये 15 लाख वही अमाउंट है जो मोदी जी के ऊपर ये ब्लेम करते रहते हैं लोग कि भैया 15 लाख मुझे मिलेगा, 15 लाख मुझे मिलेगा, उन्होंने प्रॉमिस किया था। बल्कि ऐसा कोई वीडियो है नहीं, मोदी जी ने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया। ये लोग जबरदस्ती का बाल की खाल उखाड़ के उसका बतंगड़ बना रहे हैं। उसी तरीके से मैंने वो प्रूव करने की कोशिश की, 15 लाख अमाउंट वही रीजन से, मतलब सिंबॉलिक भी है एक तरीके से, कि जैसे मोदी जी के खिलाफ इनके पास नहीं था, मेरे खिलाफ भी इनके पास एक पैसे का प्रूफ नहीं है, इस नाते मैंने ये 15 लाख रखा है जी। और हमने ध्रुव राठी का एक ट्वीट देखा था, जब आपका आपने इनको इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की थी, एफआईआर जब कराया था, तो एक ट्वीट आया था इनका, जिस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मेरे अगेंस्ट तो इन्होंने एफआईआर कर दी, पर अभिषेक मिश्रा के अगेंस्ट इन्होंने एफआईआर नहीं करी। तो इससे ये पता चल जाता है साफ साफ तौर पे कि अभिषेक और विकास पांडे का कोई लिंक है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभिषेक मिश्रा जी यूट्यूब पे वीडियोस बनाते थे, प्रो बीजेपी बनाते थे, और मेरे वॉलंटियर्स के टच में रहते थे, जो नॉर्मली आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी करके पेज है बहुत बड़ा, उसमें वॉलंटियर्स के थ्रू ही सब चलता है, सब कुछ मैं चलाता हूँ ऐसा जरूरी नहीं है। तो वॉलंटियर्स के थ्रू वो टच में आए थे, और जब वो उन्होंने एंटी बोलना शुरू किया, अचानक वो केजरीवाल जी से मिल लिए, राहुल गांधी से मिल लिए, तो हम लोगों ने भी हाथ खींच लिया उनसे। और अचानक बीच में उनके पोस्ट देखता रहता था, फ्रेंड्स में है उनका पोस्ट देखता रहता, ट्विटर में भी देखता रहता, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा इंटरेक्शन रहा नहीं है। प्लस जब इन्होंने ऐसा बोला, तो आप उनकी वीडियो ध्यान से देखोगे, आप एक बार ध्रुव राठी क्या बोल रहा है वो भूल जाओ, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है, वो बोल रहा है 50 लाख दे, लेकिन उसकी वीडियो जब आप सुनोगे, उसमें एक बार उसने नहीं बोला कि विकास ने तुमको पैसे के ऑफर किए। वो अपने मन से जो भी बोलना बोल रहे थे, उसमें ये भी बोल रहे थे तू राखी सावंत बन, तू क्या ये सिंपल लाइफ जी रहा, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। तो मैंने जब लीगल ओपिनियन लेना चाहा इस पे, तो उनके खिलाफ कोई केस ही नहीं बन रहा है। अभी क्या उनको प्रूव करोगे कि वो बोल रहे हैं, विकास पांडे बोल रहा है कि तुम राखी सावंत बन जाओ, इसको क्या मैं प्रूव करके उनको क्या सजा दिला पाऊंगा? एक्चुअल सजा तो डिफेमेशन का तो ध्रुव राठी और इन लोगों के पूरे उस पे बनता है ना, कि उन्होंने पूरा प्रपंच रचा। इनके खिलाफ कोई केस नहीं बना था, मैं डालता भी, और प्लस सुनने में आया कि उन्होंने खुद ही पुलिस केस कर दिया ध्रुव राठी के खिलाफ इस वीडियो के बाद, तो मुझे इसका कोई रीजन नहीं। और मेरे लॉयर्स ने भी बोला कि इसके खिलाफ कोई आगे पास सबूत है नहीं, आप इसको क्या करोगे? अब वो चाहे ध्रुव राठी उनके खिलाफ केस कर सकते हैं, चाहे कि भैया हमें सबूत चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बट मुझे कोई सबूत नहीं मिला। मेरे लॉयर्स ने भी बोला कि भैया इसमें कोई वेट नहीं है इनके, मतलब अभिषेक मिश्रा के खिलाफ हमारे पास कोई ऐसा कुछ केस नहीं बनता है, तो इस नाते कुछ उस पे हमने प्रोसीड नहीं किया। ओके, और उधर से दूसरी बात अगर हम देखें, तो ध्रुव राठी ने अपनी इस वीडियो में एक जगह पे ये कहा है कि आपने 50 लाख रुपए का ऑफर किया है, और अभिषेक मिश्रा वाली जो रिकॉर्डिंग कॉल है उसमें एक बार भी ये नहीं बोला जा रहा है कि 50 लाख रुपए का ऑफर है कहीं से। तो ये 50 लाख फिगर आया कहां से? ये मुझे भी नहीं आया है। क्या कहते हैं, इनफैक्ट अभिषेक मिश्रा की रिकॉर्डिंग में कोई पैसे की बात ही नहीं हुई है, किसी तरह की लेन देन की बात नहीं। वो होती तो वो भी तो पकड़ा जाते इस केस में, लेकिन उनकी तरफ कुछ नहीं है। इन्होंने मनगढ़ंत तंग तरीके से ये बताया कि 50 लाख का ऑफर दिया है बीजेपी ने थ्रू विकास पांडे के थ्रू, जो कि सेकंड इन कमांड है बीजेपी आईटी सेल में, और अगर मुझे 50 लाख क्या 50 कहता है क्या 500 करोड़, शायद 500 करोड़ भी बीजेपी देगी तो भी मैं उनके तरफ से नहीं बोलूंगा, मतलब अपने ऑडियंस को खुश करने के लिए। तो उसमें कहां से आया मेरे को कोई आइडिया नहीं है। हो सकता है वो अपनी वैल्यू बताते हो कि 50 लाख मुझे ऑफर किया गया है इस तरीके की, मतलब कि सेंसेशनलाइज करने के लिए और लोगों के आई बॉल्स ग्रैब करने के लिए, व्यूज पाने के लिए, यूट्यूब पे पैसे कमाने के लिए। उसके थ्रू 10 लाख व्यूज हो गए एक के, उसके बाद 4 लाख व्यूज हो गए, उसके बाद उन्होंने पेट्रियन से मदद भी मांगी, मेरी मदद करो केस लड़ने के लिए, फीस मतलब जो दान वगैरह होता है। तो मुझे लग रहा है कि ये खुद की इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए, और क्या कहते हैं, मतलब मेरा नाम यूज करके उन्होंने गलत किया है इस तरीके से। कोई कोई प्रूफ नहीं है उन्होंने क्यों किया, मेरे को यही रीजन लगता है।
इस वीडियो में एक बात और थी कि डेथ थ्रेट्स और ऐसी थ्रेट वैसी थ्रेट महावीर को दी जाने लगी, जिसके बारे में कोई रिकॉर्डिंग उन्होंने नहीं सुनाई उस वीडियो में। उन्होंने बस यही कहा कि एक इंटरेस्टिंग वीडियो है जहां पर इनको पैसा दिया जाने लगा, डेथ थ्रेट वाली कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी उसमें। एक्चुअली इन्होंने थर्ड वीडियो भी बनाया जब मैंने पुलिस कंप्लेन कर दी थी, ठीक है। उन्होंने ये माना कि मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। इनफैक्ट सेकंड वाले वीडियो में मेरे पास उन्होंने तीन वीडियो बनाया मेरे को लेके, जो सेकंड वाली जो मेरे लिए स्पेशली फोकस्ड है उस पे उन्होंने ये बोला कि मैंने इसको बोला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने को, इसने इंस्टॉल किया, इसको बहुत सी डेथ थ्रेट्स आई, उसमें इसमें ब्राइब कॉपी ऑफर आया। तो कोई कोई ना इन्होंने सॉफ्टवेयर कहा होगा, ना कोई रिकॉर्डिंग उस तरह की कोई हुई, एक कोई रिकॉर्डिंग इन्होंने आपस में या तो मिलजुल के की या तो गलती से हो गई, आई डोंट नो। उस एक रिकॉर्डिंग लेके इन्होंने पूरा ये पूरा वीडियो उसी बेसिस पे बना के सेंसलाइज करके करवाया। और सबसे दुख की बात ये कि इसको अरविंद केजरीवाल ने, अभिषेक शर्मा ने इसको शेयर किया, जितने भी आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स रहे, एंटी मोदी वेरीफाइड सिंबल्स रहे, बड़े बड़े हैंडल्स, आपके डेरिको ब्राइन ने शायद इसमें बोला कि मैं मेरे खिलाफ वो पार्लियामेंट में उठाएंगे ये बात। तो आई वॉज लाइक आई वॉज वेरी अलोन, मेरी फैमिली को बहुत से गालियां पड़ी उसके बाद। मतलब उन्होंने खोज खोज के फेसबुक प्रोफाइल खोजा, मेरी फ्रेंड लिस्ट खोजी, मेरे भाई, मेरी मम्मी जो कि उनका पेज है एक्स मेयर ऑफ गोरखपुर, उनको सर्च कर करके उनके इनबॉक्स में मारा। इनफैक्ट मेरी फैमिली मेंबर्स में वो वीडियो काफी वायरल हो गया, मेरे कलीग्स में वायरल हो गया, और बहुत समझाना मुश्किल था कि भैया ऐसा मैंने कुछ किया ही नहीं है उस वीडियो में, क्योंकि आप देखोगे उसको एक्चुअली ध्यान से सुनना पड़ेगा, उसमें कोई सबूत नहीं है। उन्होंने बहुत मास्टरफुली उसको प्ले किया है मेरे अगेंस्ट। तो ये कुल मिला के इसका कोई बेसिस बनता नहीं है जी। तो अब आपने जब केस इनके अगेंस्ट फाइल कर दिया है, तो आपको क्या लगता है, आपके लॉयर्स आपको क्या बता रहे हैं, किस तरीके से प्रोसीडिंग्स होंगी, क्या क्या इसका, जो ये ध्रुव राठी हैं ये तो बाहर रहते हैं, ऑस्ट्रिया में रहते हैं आई थिंक, तो उसका अब किस तरीके से प्रोसीडिंग्स यहाँ पे होंगी? देखिए ऐसा है कि केस के बारे में टेक्निकलिटीज मैं यहाँ नहीं बात करूंगा जब तक वकील न रहे, क्योंकि पता नहीं क्या, मतलब नॉर्मली मैंने सुना कि केस अगर अंडर प्रोसेस रहता आप उसके बारे में कम बोला करें तो ये अच्छा है, बट क्योंकि आपसे इंटरव्यू इसलिए रेडी हुआ क्योंकि बहुत सी जनता अभी भी मेरे को गालियां दे रही है, उसके सपोर्टर्स, उन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक में मुझे कोट कर दिया, उसके बाद उनके सपोर्टर लग गए। तो मैं अपने आपको आई वॉन्टेड टू क्लेरिफाई ऑल दो थिंग्स, तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं उसके बारे में टेक्निकलिटीज के बारे में नहीं जाऊँगा। लेकिन हाँ, मेरे लॉयर्स, मैं काफी लॉयर्स इसको डिस्कस किया और उनके बैठ के समझाया, उन्होंने समझा, वीडियो देखा, उन्होंने कहा कि इट इज अ कास्ट आयरन केस अगेंस्ट हिम फॉर मी, इट विल टेक टाइम बिकॉज ही इज नॉट इन इंडिया, आई डोंट नो वेयर ही इज, बट आई विल अश्योर यू दैट कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली को गाली पड़ी है, मेरे को बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इनसे कि थर्ड वीडियो में शायद अपोलोजाइज करें, मैं मामला क्लोज करें। इनफैक्ट उन्होंने अभिषेक मिश्रा का चेहरा ब्लर किया हुआ, मेरा चेहरा रखा हुआ है उस वीडियो में, तो इट एक्चुअली हर्ट मी अ लॉट कि इन्होंने इंटेंशनली हर्ट करने की कोशिश की, इंटेंशनली मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, मेरे क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचा के, मेरे रिपुटेशन को नुकसान पहुंचा के कमाई करने की कोशिश की है। तो इसलिए मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मतलब इस केस को मैं छोड़ूंगा नहीं, बाहर है कोई बात नहीं, मैं इसको परस्यू करूंगा। अभी तो 6 महीने हो गए ना इसको परस्यू करते हुए, ऐसा तो है नहीं कि मैं कल अचानक ट्वीट कर दिया, मैं काफी समय से इस चीज को परस्यू कर रहा था, लॉयर्स के साथ बैठ के पुलिस स्टेशन जाके इसको परस्यू कर रहा था। तो ये टाइम लगेगा बिकॉज ही इज नॉट इन इंडिया, ये टाइम लगेगा, बट आई विल मेक श्योर दैट इट रीचेस इट्स लॉजिकल एंड, मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, और हमने उस वीडियो में एक बहुत जबरदस्त बात जो नोटिस की वो ये नोटिस की कि उसने आपको तो डिमोनाइज कर दिया पूरा का पूरा, लेकिन वहां पे थोड़ा सा बोल के अभिषेक मिश्रा के लिए थोड़ा सा बोल के, और बाद में उनको ये कहा कि भाई तू माफी मांग ले बात खत्म हो जाएगी, लोग तेरे को माफ कर देंगे, पर विकास पांडे को लोग माफ नहीं करेंगे, अभिषेक मिश्रा को लोग माफ कर देंगे, ऐसा क्यों? और अभिषेक मिश्रा को मैं कहना चाहूंगा, देख अभिषेक, ऐसी पॉपुलैरिटी का कोई फायदा नहीं जहां पे लोग तेरी रिस्पेक्ट ना करते हो, क्या मिल जाएगा इससे? सारे लोग तेरे बारे में जानते होंगे लेकिन एक भी इंसान के दिल में तेरे लिए जगह नहीं होगी, कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा तेरे लिए, क्या फायदा होगा उससे? और ऐसे पैसों का भी कोई फायदा नहीं है जो एक ऐसे इंसान से आते हो जो इंसान नफरत फैलाने के में एक्सपर्ट हो, जो इंसान झूठ फैलाने में एक्सपर्ट हो, देश की तबाही करने में एक्सपर्ट हो। मुझे पूरा यकीन है तू माफी मांगेगा तो ज्यादातर लोग तुझे माफ कर देंगे इस चीज की। अब भैया वो और अभिषेक मिश्रा जाने, मेरे को तो किस से मतलब, मेरे को तंग किया है और बिना मतलब की बिन बुलाए मेहमान के, इधर मेरे से पूछ तो लेते एक बार, अगर तुम्हें
मेरे खिलाफ कर रहे हो आप, अपने आप को जर्नलिज्म वगैरह इतना बड़ा यूट्यूब चैनल चलाते हो, यू कुड हैव अप्रोच्ड मी, यू कुड हैव आस्क्ड भाई तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने बोलता मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने मन से वीडियो बना दिया, तो फिर वो लोग जाने, वो आपस में जाने, मेरे को कोई मतलब नहीं उन लोगों का आपस में, वो लोग आपस में लड़े हैं, दोस्त हैं, दुश्मन हैं, आपस में करे, मेरा तो उनसे मेन है ना, मैं तो अपना केस परस्यू करूंगा, मेरे ख्याल से वो क्या कॉन्स्पिरेसी है, कॉन्स्पिरेसी है या नहीं, लेट देम फाइंड इट आउट, लेट देम फाइट इट आउट, आई डोंट केयर, इट इज बिटवीन मी एंड देम। तो इसमें अब एक चीज ये है कि यहाँ पे हम उस वीडियो में महावीर को कोई डेथ थ्रेट नहीं सुन पाए, वहीं आप ये कह रहे हैं कि आपकी फैमिली को काफी परेशान किया गया, उनको गालियां दी गई और उनको थ्रेट्स दी गई राधे, तो क्या इसके आपके पास प्रूफ्स हैं कि इस तरीके की चीजें आपके साथ हुई हैं? हाँ, आप एक काम करिए, अभी ललित राठी ने मुझे कमेंट किया, मतलब मेरे उस एफआईआर को कहते हुए तुमने सूट का स्पेलिंग गलत किया, आप उसमें मेरा और ध्रुव राठी का हैंडल सर्च कर लीजिए, इतनी भद्दी भद्दी गालियां पड़ी हैं, और वो तो ये तो खैर एक ट्वीट था, उस समय वो वीडियो था, उसको अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था, अभिषेक शर्मा ने ट्वीट किया था, मतलब आई वाज हॉन्टेड लाइक एनीथिंग कि भाई मैं सबसे बड़ा बदमाश आदमी हूँ दुनिया का, दुनिया में राइट्स पैदा करने वाला, झूठ बोलने वाला, पैसे देने वाला पार्टी की तरफ से, क्या कहते हैं ये डील्स करने वाला, तो ये बहुत सी चीजें आई इनबॉक्स पे आई, हमने ब्लॉक करना, मतलब कि ब्लॉक कर करके, कमेंट्स डिलीट कर करके, किसी तरीके से वो आंखों से हटाया, इट वाज अ मेंटल टॉर्चर, और ऑब्वियसली इन सब चीजों में बाकी चीजें तो मैं वो कोर्ट में दूंगा इन सब चीजों का सबूत और जितना भी उन्हें वो पूछा जाएगा। जी, आपके ऊपर सबसे बड़ा चार्ज यही लगाया गया कि फेक न्यूज फैलाते हैं और उस फेक न्यूज से मुसलमानों के पेजों पर तो ऐसा करते हैं कि भाई बीजेपी मुसलमानों के फेवर में है, और हिंदुओं के पेजेस पे ऐसा करते हैं कि जो मुसलमान है वो कितने बड़े एंटी लोग हैं और बीजेपी कितनी एंटी है मुसलमानों के, तो इस तरीके से आप इसको पूरा फैलाते हैं और हेट फैलाते हैं पूरे मामले में, हिंदुओं के अगेंस्ट मुसलमानों को करते हैं, मुसलमानों के अगेंस्ट हिंदुओं को करते हैं। तो ये जो सबसे बड़ा चार्ज लगा है आपके ऊपर ध्रुव राठी की उस वीडियो में जो एविडेंटली साफ दिखता है, तो उससे एक मेंटल ट्रॉमा या कुछ इस तरीके की चीजें आपके साथ हुई हैं? नहीं, वो देखिए वो ऐसी चीज है जो बहुत सब्जेक्टिव है, उन्होंने देखिए हर पोस्ट, ये सारे वॉलंटियर्स करते हैं, रोज 30-40 पोस्ट होते हैं उस पेज से, तो हर चीज तो मॉनिटर नहीं कर सकता मैं, लेकिन मैंने ये इंश्योर किया हुआ कि पेज पे कम से कम इस तरह की खबरें जाए जो कि फैक्चुअली रॉन्ग हो, तो उन्होंने भी खबरें निकाली, तो 4 साल पुरानी खबरों में 3-4 पोस्ट, उसमें 2-3 मेम्स को निकाल के बोला कि ये ऐसा बोला होगा क्या मोदी जी, मेम्स का क्या तुक है भाई, मोदी जी ने वो नहीं होता बबल बन जाता, मोदी जी ने कुछ बोला तो उसको मजाक को भी वो बोल रहे थे कि तू झूठ है। ये देखिए आसमान की एक फोटो खींच के लगा रखी है, लिखते हैं अद्भुत नजारा जय भारत, और आसमान में आपको इंडिया का मैप दिख रहा है, मतलब ये फोटोशॉप किस किस को बेवकूफ बना रहे हैं, यहाँ पे 5,000 लोगों ने इस फोटो को लाइक कर रखा है, और ये वाली फोटो देखिए जो इन्होंने शेयर करी है सोनिया गांधी की, इसके ऊपर नीचे लिखते हैं भीगी नहीं थी मेरी आंखें कभी वक्त के मारे से, बेटे की नाकामयाबी ने इन्हें जी भर के रुला दिया, मतलब कुछ भी लिखोगे क्या? हाँ भाई पांडे जी आपके कान में बोलने आई थी क्या धीरे से सोनिया गांधी, ये चीज आपको जो आपको ये पता है, तो ये सब बच्चों वाली बातें हैं, इनफैक्ट मेरे कॉन्डक्ट को पार्टी वाले और जितने लोग जानते हैं मेरे से ज्यादा, मतलब बहुत कम लोग होंगे जो आपसी सामंजस्य बनाना चाहते हैं, इनफैक्ट इट इज वेरी सॉरी कि भैया जो मीडिया होती है इस तरह के लोग होते हैं वो लोग मुसलमानों को इतना डरा देते हैं, माइनॉरिटीज को इतना डरा देते हैं कि वो हमारे पास आई ना, वो इनफैक्ट बीजेपी के मुसलमानों से आप जब पूछोगे वो अलग ही देते हैं कि कितना भाईचारा का माहौल होता है, हमारे पेजेस पर भी इस तरह के मुस्लिम आते हैं जो नेशनलिस्ट मुस्लिम होते हैं, लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम एक रहे, ये लोग हमेशा क्या कहते हैं हमेशा एक दीवार की तरफ बीच में खड़े रहते हैं, गलत खबरें फैलाते हैं, झूठी खबरें फैलाते हैं, भड़काते हैं, भाई मेरे को बता दो भैया, मैं कट्टर इस्लाम के खिलाफ है, जितना मैं फ्रिंज हिंदूज के भी खिलाफ रहता हूँ, अपने उन लोगों को समझाता हूँ मत करो ये सब आपस में, लेकिन मेरे को ये बोला भैया एंटी मुस्लिम हूँ, मैं एंटी क्रिश्चियन हूँ, भैया वो उन लोगों की गलती है, मैं इसमें अग्री नहीं करता, मैं हाँ नेशनलिस्ट हूँ, मैं मोदी जी को बहुत मानता हूँ, मोदी जी मैं बहुत मान, उसको ये कहना है मोदी जी को मानता है इसलिए तू गलत है, उसको गलत तरीके से फैलाना है, उसको बोलना भी है फेक न्यूज है ये सब, इनफैक्ट मेन
यही है कि मेरा ये कहना है कि इन्होंने जो पर्सनली हर्ट किया वो यही है कि इन्होंने मेरे को ब्राइब्स का लगाया, वो गलत है, उसका कोई प्रूफ नहीं है, बाकी चीज तो सब्जेक्टिव है, ये ऐसा बोला वो ऐसा बोला, उसने एक दिन ऐसा उसामा बिन लादेन को बोल दिया, तो इस तरह उसका कोई कोई सर पैर नहीं होता उस डिस्कशन का। मेन ये है कि इन्होंने बोला कि 50 लाख रुपए का ऑफर हुआ, उसका वीडियो दिखाते हैं या उसको ऑडियो सुनाते हैं तो अलग बात होगी, वो मेरे ऊपर केस कर रहे हैं उल्टा जी। और लास्ट में उस वीडियो के लास्ट में जो एक बात कही गई कि आपने इस वीडियो के बाद इसको महावीर को ब्लॉक कर दिया, अभिषेक मिश्रा को ब्लॉक कर दिया। उन्होंने ये बोला कि इस वीडियो के तुरंत बाद जैसी कॉन्फ्रेंस कॉल का हुआ वैसे विकास पांडे और अभिषेक मिश्रा ने इसको ब्लॉक कर दिया महावीर को। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि विकास पांडे और महावीर एक्चुअली पैनिक में आ गया, उन्होंने सॉरी विकास पांडे और अभिषेक मिश्रा जो कि दोस्त हैं अकॉर्डिंग टू हिम दे वर प्लानिंग अबाउट दिस ब्राइब थिंग, दे गॉट इन पैनिक मोड और उन्होंने ब्लॉक कर दिया। मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भेजा है कि भाई महावीर मतलब मैं लेसर सेड द बेटर काफी कंट्रोवर्शियल बंदे हैं, मैं उनको बहुत पहले 1 साल 1.5 साल पहले ब्लॉक कर दिया, उनके कई प्रोफाइल्स हैं, मैं जब भी मिलता था हाय हेलो आता मैं ब्लॉक कर दिया, मेरे को क्या जरूरत है उनसे सर खपाने की। तो क्या उनके पास ये भी प्रूफ है? मैंने आपको प्रूफ भेज दिया उनका 2017 का एक चैट भेजा मार्च में, विच इज मच मच अर्लियर, 1.5 साल पहले का चैट, और ये वीडियो 3-4 महीने का पहले का है। तो इन्होंने जो सेंसेशनलाइज किया, जो इन्होंने स्टोरी बिल्ड की अपने ऑडियंस को, यही कहा कि भाई अचानक अचानक हो रहा है, वो वीडियो के बाद ऑडियो के तुरंत बाद उन्होंने ब्लॉक किया कॉन्फ्रेंस के बाद, वो सरासर झूठ है, वो अपने ऑडियंस को बेवकूफ बनाने वाली बात है, उनके पास कोई सबूत नहीं है, मेरे पास 1000 सबूत है उनको गलत करने के लिए, मैं हर चीज कोर्ट में दूंगा, मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि वो ऑडियंस को आप बता सके कितने बड़े झूठे आदमी हो। जी जी जी, तो विकास जी मेरे ख्याल से यहाँ पे सारी जो चीजें उस वीडियो में बताई गई थी उनका सारा आपने जवाब दे दिया है, तो अब हम आपसे विदा लेते हैं इस चीज के लिए, और कुछ लास्ट में आप हमारी ऑडियंस को बोलना चाहेंगे तो आप बोल सकते हैं प्लीज। देखिए नॉर्मली सोशल मीडिया में मैं नॉर्मली कोई ऐसा कुछ बहुत ज्यादा सर नहीं खपाता, मैं सोशल मीडिया पिछले 15-16 साल से और कट के टाइम से मैं कम्युनिटी चलाता हूँ, तो मैं नॉर्मली पर्सनल नहीं लेता था क्योंकि इस पे उन्होंने मेरे को पर्सनल आरोप लगाए हैं और उन्होंने मेरी फैमिली को बहुत हरेस हुई है उसके नाते, तो इस नाते मैं इतना लिमिट पे गया हूँ, और मैं बाकियों पे कमेंट नहीं, मैं देखता रहता हूँ वो फैक्चुअली रॉन्ग चीजें बोलते हैं, तोड़ मरोड़ के बोलते हैं, वो ठीक है वो अपनी ऑडियंस के लिए ठीक है, लेकिन आप किसी के खिलाफ अगर बोलो तो सबूत के साथ बोलो, नहीं तो मेरे जैसे लोग कभी ना कभी खड़े हो जाएंगे जो आपको परेशान करेंगे, परेशान करेंगे इन द सेंस थ्रू लीगल वेज। और इस पे क्या कहते हैं, आई एम हर्ट और मैं इसको लॉजिकल एंड तक ले जाऊंगा, मैं फैमिली के साथ कंसल्ट कर रहा हूँ वेदर आई शुड गो अहेड विद क्रिमिनल केस आल्सो और नॉट, क्योंकि सबूत तो मेरे पास सारे हैं और इनको भी चाहिए कि ये क्या कहते हैं अपने मेरे साथ मेरे लॉयर्स के टच में आए और बताए कि कैसे प्रोसीड करना है, आपको नोटिस कहाँ भेजा जाए, समय लगेगा मेरे को क्योंकि ये देश के बाहर है, लेकिन जितना भी समय लगेगा मैं लगाऊंगा इस पे, 1 साल 6 साल 1 महीना 2 महीना जितना भी टाइम लगे, आई विल इन्वेस्ट माई टाइम इन इट एंड मेक श्योर आई गेट जस्टिस, आई एम श्योर दैट मीन्स ये केस मेरा काफी मजबूत है, विद आई हैव गॉट ऑल द प्रूफ्स, सारे वीडियो ऑनलाइन है मेरे पास, उसका लोकल कॉपी बना लिया जस्ट इन केस ही वॉन्ट्स टू रिमूव इट लेटर ऑन, वो चीजें मेरे पास सबूत है, एंड आई विल मेक श्योर कि जितना भी लीगली पॉसिबल है मैं इसको परस्यू करूँ। At the same time, this is a message to Arvind Kejriwal, Abhisar Sharma and others who hate Modi like anything. कि भाई आप मोदी को हेट करो लेकिन कम से कम जो चीजें शेयर कर रहे हो, आप जिस स्टेज पे हो, आपको लोग मानते हैं, आपको जानते हैं, आपके बात जो शेयर करते हो, लोग आपके फॉलोअर्स उसको ब्लाइंडली मानते हैं, अब ये तो देख लो कि किसी की जिंदगी खराब हो सकती है उससे, किसी की फैमिली को थ्रेट्स मिल सकते हैं उससे, और उसमें कोई दम नहीं है, उस वीडियो को देख लो, उस स्टोरी को पढ़ लो, आप क्या अपने पॉलिटिकल गेम को चलाने के लिए अपने सोच को मतलब किसी को आप हरेस कर दोगे, उसकी फैमिली को गाली पड़वा दोगे, उसके खिलाफ फेक न्यूज चलवाओगे, तो बेसिकली ये है कि उन लोगों को मिरर देखने की जरूरत है, शीशा देखने की जरूरत है, भाई झूठ फैलाने में हेल्प ना करें, दूसरा कोई झूठ फैला रहा है तो कम से कम उसको कॉशन करें, आपके बंदा ही हो क्यों ना हो। अरविंद केजरीवाल ने उसको रिट्वीट कर दिया, मतलब इट वॉज मतलब सबसे ज्यादा दिक्कत वही हुआ जब अरविंद केजरीवाल ने रिट्वीट कर दिया, तो उसके बाद सब लोग लग गए मेरे पीछे, तो बेसिकली ऐसा नहीं होना चाहिए, बस यही गाड़ी को विराम करूंगा, आप लोग इसमें आपके ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी वीडियो देखें तो उसको प्लीज अच्छे से थर्ड पार्टी की नजर से
न विश्वास करते हुए देखें उसको कि सच है कि नहीं। तो थैंक यू विकास जी, आपने अपना टाइम निकाला और हमारे साथ जुड़े इस मुद्दे के ऊपर। एक पक्ष का तो व्यू सबने देख ही लिया था, लेकिन आपका पक्ष अभी तक किसी के सामने नहीं आया था। आपने दो चार ट्वीट तो इस मामले में किए थे, लेकिन उसके अलावा आप ना लोगों के सामने आए थे इस मुद्दे के ऊपर। तो थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए और अपना समय निकाला, हमारे से बात की। थैंक यू सो मच। उम्मीद हम यही करेंगे कि लोग अब आपके पक्ष को देखकर अपनी राय अपने आप बनाए। अब उनके पास दोनों पक्ष, तो देखते हैं लोगों का क्या निर्णय आता है। और हम आपको ऑल द बेस्ट कहते हैं कि आप अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ें। और धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो दोस्तों, अब आपके पास दोनों पक्षों की स्टोरीज आ चुकी हैं, दोनों ही पक्ष आपने देख लिए हैं। महावीर का पक्ष आप पहले ही देख चुके थे और अब आपके पास विकास पांडे का भी पक्ष है। इस कहानी में चार किरदार थे, चारों किरदार की कहानी अब आप जानते हैं। तो अब आप कंक्लूजन पर खुद आइए, आप खुद निष्कर्ष निकालिए कि कौन सही है कौन गलत है। विकास पांडे का सही डिमोनाइजेशन हुआ या गलत डिमोनाइजेशन हुआ, वो आप खुद अंदाजा लगाइए। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह संस्करण पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। और साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर ज्वाइन कीजिए। आपको तीनों ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।